आज हम स्पोर्ट्स राइट के इस पेज पर एक ऐसे खिलाड़ी को ला रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी ही सादगी के साथ शांत स्वभाव से रहकर संयमी बनकर अपनी कामयाबी को सबके सामने उजागर किया है। और कहा भी जाता है कि काम ऐसा करो कि कामयाबी अपने नाम का डंका बजा डाले सभी के सामने। और वही डंका एक जो अंदाज में खेल के मैदान पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे खिलाड़ी जो कि अब हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के इस पेज पर हमसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं इस आज के शुभ दिन पर जो कि भगवान श्री गणेश जी की आराधना का उत्सव शुरू हो चुका है और पूरे विश्व में यह त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है, हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी जुड़ रहे हैं जिन्होंने खेल के मैदान पर अपने नाम का डंका बजाया है, साथ में ही दोस्ती की मिसाल भी उनके नाम से दी जाती है। और एक ऐसा प्यारा दोस्त जो सभी चाहते हैं वे हमारे साथ स्पोर्ट्स यूनाइटेड के इस पेज पर जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा मनिंदर सिंह जी का। नमस्कार मनिंदर सिंह जी, बंगाल वॉरियर्स टीम के कप्तान। नमस्कार, कैसे हैं मनिंदर जी? बढ़िया बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हैं जी? जी जी, इस समय जबकि लॉकडाउन चल रहा है सभी पूरा विश्व परेशान है, आप और आपका परिवार इस समय ईश्वर से कामना ही के सुखद अंदाज में होंगे? बढ़िया सारे जी, फैमिली बढ़िया जी। जी 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 जी, मनिंदर जी आप स्पोर्ट्स नाइट के पेज पर जुड़े, सबसे पहले मैं हमारे साथ जुड़ने वाले सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को और इस कार्यक्रम में जो भी सहभाग ले रहे हैं उनको ये बता दूं कि किस प्रकार से आप अपनी इस लॉकडाउन के दौरान जो कि ड्यूटी निभा रहे हैं, आप पंजाब पुलिस में हैं, जो ये जो संकट का समय है पूरे विश्व में, भारत में भी जो इस समय संकट काल चल रहा है, आप लोगों ने जो मेहनत की है, परिश्रम किया है इस संकट की घड़ी में, मैं सभी लोगों की ओर से, आपके सभी चाहने वालों की ओर से, सभी खेल प्रेमियों की ओर से आपको दिल से सलाम करता हूं आपके इस कार्य को। सही है जी, काफी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप मेरी मतलब इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो मेरे को भी बहुत मदद जी 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 जी। मनिंदर जी, लॉकडाउन का समय, कोरोना काल का संकट का समय, किस प्रकार से आप फील्ड पर उतरे, कैसा लगा उस समय आपको या क्या चल रहा था आपके दिल दिमाग में? बस यही था जी, लॉकडाउन में मतलब सभी तंग तो हो गए ना, मतलब प्रैक्टिस करने जाना, बाहर जाना सभी बंद हो गया था, बट फिर भी मतलब हम प्रैक्टिस करते थे कहीं जहाँ, मतलब अपने घर पे ही कर ली, अपने छत पे जा, अपने घर के बाहर थोड़ा सा ना घूम फिर लिया, जो भी जिम वगैरह जा, जो नेचुरल मेहनत करते हैं वो करते। तो अभी तो जैसे खुल रहा है, मैं इधर डेढ़ में हूँ तो इधर प्रैक्टिस करते हैं जी, इधर रनियाबाज के तरफ घूम जाते हैं जी। जी जी जी, महेंद्र जी हम अपने कार्यक्रम में सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके जीवन के उन पहलुओं के बारे में, लोगों को बताएंगे। महेंद्र जी आपका बचपन और आपके परिवार के बारे में कुछ बताएं। परिवार में जी मेरे फादर मदर है, सरदार गुरदीप सिंह और मदर जसवीर कौर है, दो मेरी सिस्टर है वो मेरे से बड़ी है, तो एक मतलब दोनों की शादी हो गई है, तो एक मेरी वाइफ है सिमरनप्रीत कौर है ना, एक मेरी बेटी है गुरनीत कौर, तो ये हमारी फैमिली है जी। फैमिली मतलब बढ़िया है, खुश है, उनके साथ बढ़िया रहने को मिलता है, तो खुशी मिलती है उनके साथ रहने को। अभी लॉकडाउन में पहले टूर्नामेंट चलते रहते थे तो बाहर रहते थे घर से, तो अभी मौका मिला उनके साथ रहने का, तो बहुत खुशी है उनकी। जी 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 जी, इस कार्यक्रम के दौरान रोहित राणा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपके बहुत ही करीबी दोस्त वे भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी मनिंदर जी, आप अपने बचपन की पढ़ाई की कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। पढ़ाई तो जी जैसे मैं पहले इंग्लिश मीडियम है ना स्कूल है हमारे उधर, तो उसमें पढ़ता था रंधावा में पढ़ता जी, तो बाद में जैसे मैं प्लस टू में अमृतसर चला गया था, अमृतसर में जैसे मैंने प्लस टू की है तो उधर से बीए जैसे मैंने सेकंड ईयर में छोड़ दी थी, तो मैं भर्ती हो गया था पंजाब पुलिस में, तो पढ़ाई तो मतलब ठीक है जी, गेम पे ज्यादा ध्यान देते थे ना, पढ़ाई तो उतनी की है जी। मनिंदर जी, कबड्डी की शुरुआत किस प्रकार से हुई आपकी?
कबड्डी भाई साहब जैसे हमारे गांव की टीम खेलती थी ना, तो सर्कल कबड्डी खेलते थे, तो उनके साथ मैं भी मतलब खेलता था सर्कल कबड्डी। तो जैसे स्कूल में मैं मतलब गया गर्दी वाला हमारे पास, तो स्कूल में जाके जैसे मैंने कबड्डी शुरू की उधर नेशनल सर्कल के साथ साथ नेशनल शुरू हुई। उसके बाद जैसे मैं अमृतसर चला गया, तो उधर अमृतसर बैंक था ना, तो उधर कोच थे शेरा भाई, बहुत बढ़िया कोच थे, तो उनके साथ मैंने 5-6 साल लगातार नेशनल स्तर की प्रैक्टिस की। तो बाद में जैसे मैं भर्ती हो गया पंजाब पुलिस में, ऐसे ही मतलब चलता गया ना घर पर, तो अभी मैं जैसे पंजाब पुलिस की टीम में खेलता हूँ। जी जी अमनिंदर जी, जिस प्रकार से आपने खेलने की शुरुआत की, खेलते खेलते सफर आपका आगे की तरफ बढ़ा, सर्कल कबड्डी के साथ साथ जब आप खेलते खेलते आगे की तरफ बढ़े, प्रो कबड्डी लीग का मंच किस प्रकार से उसके साथ जुड़ा? प्रो कबड्डी भाई साहब ऐसे था कि जो मतलब पंजाब की टीम में खेलता ना, तो जी लिस्ट में नाम आता है, तो वो आगे उसकी सिलेक्शन करती है टीम में, जो प्रो कबड्डी जो इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होते हैं या जो ए ग्रेड के टूर्नामेंट होते हैं, उसमें जो फ्रेंचाइजी वो देखने आती है, तो वो जहाँ वहाँ से सिलेक्शन होती है ना। तो पहले साल तो ऐसे था कि उधर मेरे को मतलब रोहित रैना ही था जो मेरे को जानता था, क्योंकि रनिया बाजी बाद में आया था ना, तो कैंप में मेरी मतलब इसके साथ बुरी जारी दोस्ती थी, तो इसने मेरे को मतलब बहुत गाइड किया था कि कैसे करना है क्या करना है, तब मेरे को मतलब इतना नहीं पता था, राणा मेरे से मतलब सीनियर है थोड़ा सा। बाकी प्रो कबड्डी में आना सही है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बस ये है कि आ ही सकता है कोई भी, आ सकता है, इतना बड़ा काम नहीं है, बस ये है कि अपनी मेहनत करनी, दो टाइम है ना, दो जितनी मेहनत करेगा जी 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 चलेगी। मनिंदर जी, यदि हम कहें कबड्डी जो कि मैदानी खेल है, मैदान पर खेला जाता है, मैदान पर खेलना और प्रो कबड्डी लीग के मैच पर खेलना, क्या अंतर नजर आया? अंतर तो भाई साहब ये है कि पहले कबड्डी मिट्टी में, हम भी मिट्टी में खेलते थे ना, सभी मिट्टी पे खेलते थे, तो मैट नहीं होते थे ना, तो मिट्टी में मतलब रेडर को भी उतना ही है, तो डिफेंसर को भी मतलब उतना ही है ना। मैट का यही फर्क है कि उसमें मतलब रेडर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, रेडर की स्पीड निकलती है, डिफेंस को भी है कि वो भी डाई डुई मारते हैं ना, तो उसमें भी दोनों का फायदा है, बट ये है कि मैट पे गेम बहुत फास्ट हो गई है, अभी मिट्टी पे जैसे खेलते थे तो स्कोर सही लेवल पे रहते थे ना, तो अभी तो बहुत ज्यादा स्कोर होते हैं, मैट पे पता नहीं लगता, कई बार बढ़िया बढ़िया टीम वन साइड में हार जाती है, तो मैट पे गेम बहुत फास्ट हो गई है, बहुत फर्क है मिट्टी और मैट में। जी मनिंदर जी, जब आप इस प्रोफेशनल कबड्डी लीग में आए, वहां की चकाचौंध देखकर क्या दिल में घबराहट हो रही थी या क्या कुछ दिल दिमाग में चल रहा था, क्योंकि जिस प्रकार से वो पूरा माहौल होता है एक नए खिलाड़ी के लिए, किस प्रकार से एडजस्ट करना? ये भाई साहब के एडजस्ट करना मुश्किल तो है ही है ना, कि इतना बड़ा टूर्नामेंट पहली बार खेलने जा रहे हैं, तो इतना बड़ा टूर्नामेंट पहले कभी हुआ ही नहीं था ना, तो ये था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट, लाइटें वगैरह ना, इतने लोग, तो खेलना मुश्किल था, बट ये था कि एक दो मैच खेलने के बाद ना मतलब वो जैसे बॉडी रिस्पॉन्ड देने लगी, कोई चक्कर नहीं है, जैसे माइंड खुल गया सारा ना, डर निकल गया, तो उसके बाद तो सही चल रहा है। जी जी, एक और कबड्डी के स्टार खिलाड़ी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, नबी बख्श जी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। मनिंदर जी, जिस प्रकार से हम प्रो कबड्डी लीग की बात कर रहे थे, पहला सीजन यदि हम कहें जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए आपने खेला, क्या कुछ जयपुर पिंक पैंथर्स जो कि पहला सीजन जिस प्रकार से जीती और उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल था, आपने सबसे ज्यादा यदि हम कहें रेड पॉइंट अंकित किए, 130 पॉइंट थे आपके उस पहले प्रतियोगिता में। जयपुर टीम में जब मेरी पहले साल सिलेक्शन हुई, तो मतलब मैं पहले इधर पंजाब का अकेला ही था ना गया, बाद में मेरे साथ जैसे रण सिंह भाजी आ गया, तो वो टीम बहुत स्ट्रांग हो गई इसके आने से, तो पहले तो हम मतलब एक दो मैच हार गए थे है ना, तो बाद में जैसे रनिया भाजी आ गया, उसके बाद हम मतलब लगातार ही मैच जीतते गए ना, तो फिर उसके बाद हम एक भी फाइनल तक, तो ऐसे था कि उधर से जूनियर टीम बहुत मतलब बढ़िया टीम थी, तो ऐसे था कि उस दिन फाइनल मतलब पूरा दोनों टीमें बराबर की थी, कोई भी जीत सकता था,
पहले सीजन का पहला मैच जो कि यो मुंबा और जयपुर किंग पैंथर्स के बीच हुआ था, यो मुंबा ने जीता था, और फाइनल मुकाबला फिर एक बार यो मुंबा और जयपुर किंग पैंथर्स के बीच में हुआ था। तो क्या कुछ दिल दिमाग में चल रहा था, पहली हार जो जयपुर ने खाई थी उसका बदला लेना उस फाइनल मुकाबले में, यह कुछ दिल दिमाग में चल रहा था? हाँ जी, पहले यो मुंबा की टीम मतलब बढ़िया टीम है, वो भी बड़ी टीम थी ना, तो हमारा पहला मैच उनके साथ उनकी होम लेग शुरू हुई थी, प्रो कबड्डी भी शुरू ना स्टार्ट ही थी, तो पहला मैच हम उनसे लूज कर गए थे। बाद में जैसे मन में डर तो नहीं था ना कि हार जाएंगे, क्योंकि पहला मैच था उसमें सेटिंग नहीं हुई थी प्लेयरों की, तो बाद में जैसे हमारे होम पे वाला मैच है उनके साथ, तो वो मैच शायद एक रह गया था, तो बाद में हमें यही था कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि बाद में हम जब खेलते खेलते हमारी टीम की बहुत ज्यादा सेटिंग हो गई थी, क्योंकि रनिया भाई सेंटर में खेलता था तो दोनों साइड सपोर्ट करता था ना, तो इसके आने से मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया, तो ये जब सेंटर में खेलता था तो रेडर आगे जाके टच नहीं करता था, तो हमारे को बहुत ही मतलब उसका फायदा हो गया ना। यही था कि हमें फाइनल मैच की टेंशन तो चलो सभी को होती है, टेंशन ऐसे नहीं बोलते कि टेंशन नहीं, टेंशन हमें भी बहुत थी, बट ये था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम बहुत बढ़िया कर रही थी। जी 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 जी, मनिंदर जी, पहले लीग सीजन में आपका सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है? पहले अच्छा भाई साहब, मेरा तो दोस्त आपको पता ही है जी, इस्लाम सिंह ही है जी। जी जी जी, रन सिंह रनिया भाजी को अभी बुलाते हैं भाई साहब, वो हमारे पास ही है। जी जी, यदि हो तो इस कार्यक्रम में उन्हें भी जोड़ लें, आपकी आपकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है और सभी के सामने प्रो कबड्डी लीग के और एक सुपरस्टार जो कि हमारे साथ इस समय स्पोर्ट्स नाइट के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, मनिंदर सिंह जी के साथ उनके जिगर के टुकड़े और एक ऐसे दोस्त जो कि हमेशा से आदर्श बनकर उनके साथ खड़े रहे, प्रेरणा स्रोत बनकर खड़े रहे, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर प्रो कबड्डी लीग के मंच पर, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रण सिंह जी। नमस्कार रण सिंह जी, स्पोर्ट्स नाइट के इस पेज पर। जी जी, हम इंतजार कर रहे थे, दो सुपरस्टार सब हमारे साथ एक ही पिक्चर पर नजर आएंगे, और आज वो मौका मिला है कि दो सुपरस्टार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पेज पर। रण सिंह जी, मनिंदर सिंह जी के साथ हमने बात की उनके बचपन की, आपके साथ भी थोड़ी सी गपशप करेंगे, आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, बस हमने बचपन में जैसे बचपन में 14-15 के साल की स्टार्ट में मेरी कोचिंग है गांव में, अच्छे हमारे गांव की टीम अच्छी होती थी पहले, तो उसको देख देख के सीनियर को देख देख के जी खेलने लगे थे जी जी, तो बाद में स्कूल में भी खेलने गए थे बाद में स्कूल में खेले, बाद में बाद में प्रो कबड्डी चैनल आया जब हमारी दोनों की इकट्ठी इंटरव्यू ले रहा ना, तो जी जी जी, हम सोच ही रहे थे कि ये दो स्टार हमारे साथ यदि पिक्चर में जुड़ जाएं तब यह कहानी कुछ और होगी, और हमारा सपना आज के दिन पूरा हुआ, दो स्टार हमारे साथ जुड़े हैं और दोनों के साथ एक साथ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और आपकी दोस्ती जो कि हमारा ईश्वर से कामना यही कि मजबूत पकड़ दोस्ती की कबड्डी के मैट पर चलती रहे, जीवन के सफर में चलती रहे, और आपका यह सिलसिला बहुत लंबा चलता रहे, इतिहास के पन्नों पर लिखा जाए। और रण सिंह जी, आपसे और एक बात जानना चाहेंगे, प्रो कबड्डी लीग के प्लेटफॉर्म पर जब आप पहुंचे तब कैसा लगा आपको? मेरे को, मैं पहले तो टीम में नहीं था जी, पहले तो जैसे मनिंदर था, बाद में ऐसे ऑप्शन थी प्लेयरों को लेने की, तो मनिंदर ने मेरे को जैसे बुलाया, तो मेरा थोड़ा वेट ज्यादा था, बोला भाई साहब जल्दी जल्दी वेट कम करो और आओ, आपको बुला रहे जी, मतलब आपको मौका मिल रहा है बढ़िया, तो मैंने वेट कम किया जी। जैसे मैं गया पहला मैच खेला, तो मैं पहले मैच में बेस्ट मिला मेरे को, तो टीम वाले भी खुश हो गए, भाई ठीक है अच्छा प्लेयर मिला, और मनी की भी फुल सपोर्ट थी, तो उससे हमारी टीम और भी थोड़ी, और पहली बार अभिषेक बच्चन को मिल रहे थे तो बहुत खुशी भाई पहली बार जी जी जी, मिला जब भाई जा गया ना, तो वो पहले उन्होंने बोला कि जो प्लेयर बुला रहे हैं उनको मिलना है हमने, तो मैंने बोला कि अभिषेक बच्चन को मिलने जाना है ना,
तो इसको यकीन नहीं हो रहा था कि ना अभिषेक बच्चन ने बोला नहीं नहीं झूठ ना बोला ना, तो बाद में मिले थे बहुत खुशी हुई। तो पहले मैच में जैसे बैटिंग बिगड़ गया तो वो भी बढ़िया बात थी जी जी जी। और लेकिन रन सिंह जी के बारे में यदि मैं कहूं तो प्रत्येक सीजन में सबसे बेहतरीन करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में रन सिंह जी का भी नाम है। हर सीजन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने और हम सबके लिए अतुल्य बात है। दोस्ती की मिसाल हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। और यदि मैं कहूं और एक बात मैं पूछना चाहता हूं, दोनों हमारे समक्ष मौजूद है, मनिंदर सिंह जी के बारे में उनके चाहने वाले कहते हैं, उनके दोस्त यार कहते हैं कि मनिंदर सिंह शर्माते बहुत हैं। मनिंदर सिंह जी क्या सही बात है? सही तो नहीं है जी, मतलब ये है कि टाइम टाइम की बात है जी, जहाँ शर्माना पड़ता है शर्माना भी जरूरी है। जी 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 चल शर्मिले हैं आप बहुत, लेकिन मैट पर जिस प्रकार से उतरते हैं, जिस प्रकार से खेलते हैं, सारी दुनिया देखती है आपको और कई सारे बच्चे जो कि आपको देखकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं और जीवन में तरक्की कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान प्रैक्टिस किस प्रकार से चल रही है? जी बाकी अभी इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, स्टेडियम में प्रैक्टिस चल रही है जी, बहुत बढ़िया। तो रनिया बाजी करवाते हैं। अगला सवाल मेरा वही था कि जिस प्रकार से कई लोग, कई बच्चे आपके अंदर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। हमारे जैसे जहाँ ग्राउंड पे 100 बच्चे हैं जी, वो हमारे साथ प्रैक्टिस करता है, जैसे हम उनको बताते रहते हैं, फिटनेस की बातें भी बताते हैं और उनका खुद का कंपटीशन भी कराते हैं, आपस में उनको आगे की बातें भी बताते हैं, ऐसे करो तो वो ऐसे अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। इसी वजह से जैसे पहले हम 20-30 लड़के थे, उसी वजह से अभी 100 लड़का हो गए जो हमारे साथ आए थे। और वो आसपास के गांव से कोई साइकिल से आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, लेकिन वो डेली सुबह प्रैक्टिस करने मतलब आते ही आते हैं, जैसे मर्जी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने सुबह प्रैक्टिस पे आना ही आना। जी जी कैसा लगता है आपको रन सिंह जी और मनिंदर जी, जब युवा बच्चे आपके पास आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और कबड्डी के राह पर चल रहे हैं, उस समय क्या फीलिंग आती है आपके मन में? बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा आपसे पूछता है, जहाँ हमें कुछ बताता है या कोई सवाल करता है ऐसा जो हमारी लाइफ से जुड़ा हो, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। जी जी और दोनों से एक सवाल यह है कि प्रो कबड्डी लीग की खास बात जो आप दोनों को पसंद है, ऐसी कौन सी वो बात है? प्रो कबड्डी की खास बात ये है कि वो प्रो कबड्डी है। उसकी खास बात ये है कि वहाँ पे सब कुछ खास ही है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें ना मिला या हम नहीं कर पाए, बस सब कुछ जो भी हमारी डिमांड होती है सब मिलता है। जी जी मैं यही सवाल अगला पूछने वाला था कि प्रो कबड्डी लीग की वजह से आप लोगों की लाइफ में क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए? लाइफ में चेंजेस तो भाई साहब बहुत आए हैं, जैसे है ना पहले जाते थे साइकिल पे, कभी जाना कहीं भी मोटरसाइकिल जाना है ना, ग्राउंड जाना या बस में जाना, अभी थोड़ा गाड़ी शाड़ी भी मिल गई है ना, तो बाकी ये अगे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ना, पता चल गया कि फिटनेस क्या चीज है, कैसे फिटनेस करनी है, उधर जाके मतलब बहुत नॉलेज हो गया क्या है ना। प्रो कबड्डी में जैसे ट्रेनर है, फिटनेस है, तो उनके साथ फिटनेस करके पता चला कि कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, कैसे मतलब अपने शरीर को मेंटेन करना। जी 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 और जब फैंस आपको घेर लेते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, ऑटोग्राफ लेते होंगे, उस समय कैसा लगता है? जब भी कोई मिलता है हमें भी खुशी होती है भाई, हां जी जी अच्छा लगता है ऐसे जब मिलता है।
जी जी जी। और अब फिर जब कबड्डी लीग पर आते हैं, पहला सीजन आप दोनों ने साथ में खेला, उसके बाद जिस प्रकार से मनिंदर जी को चोट लगी, इंजरी हुई और 3 सीजन में खेल न सके, और क्या कुछ उस चोट के बारे में मनिंदर जी बताएं आप। चोट भाई साहब जैसे मेरे घुटने पे लग गई थी, तो उसकी वजह से मतलब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरे को फिजियो ने मतलब फिजियो के साथ करनी थी ना ट्रेनिंग, तो उसकी सलाह से चलिया, जैसे उसने बोला कि हाँ तेरे को इतना टाइम रेस्ट करनी है, तो उतना टाइम मैंने मतलब रेस्ट किया। उस साल ये हुआ था कि 2 सीजन एक साल में ही हुए थे, बैक टू बैक सीजन 6 महीने के बाद हो गया था। हाँ यही था बाकी। जी जी जी, 2016 में 2 सीजन हो गए थे। रन सिंह जी के साथ एक सवाल, जब मनिंदर सिंह जी मैट पर नहीं थे सीजन में, उस समय आप क्या फील कर रहे थे, कैसा लग रहा था, क्या कुछ दिल दिमाग में चल रहा था आपके? जैसे हम दूसरा सीजन जूनियर गए, हम तो बहुत मिस कर रहे थे, जी। और फिर एक बार आप दोनों एक साथ एक ही टीम में जुड़े, बंगाल वॉरियर के टीम में, उस समय फिर एक बार किस प्रकार से लगा आप लोगों को, एक नई टीम, नया प्लेटफॉर्म? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी, दोनों भी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छा मौका मिला, जैसे हमारी दोनों की सुनी जाती थी अच्छे से, वो तो हमारी टीम थोड़ा सेमीफाइनल लूज करके थोड़ा किसी वजह से मतलब नहीं मतलब प्लेयर परफॉर्मेंस हुई अच्छा था, तो इसकी वजह से हम उस साल भी मतलब बढ़िया कोई गोल्ड लेके आते हैं, सेमीफाइनल में हमें थोड़ा लूज हो गए एक दो नंबर से, इसीलिए थोड़ा हमें। जी 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 जी। और एक सवाल मेरे मन में उठता है, जिस प्रकार से मनिंदर सिंह जी वे 2-3 सीजन जो खेल न सके, पहले सीजन में मनिंदर सिंह के रेट पॉइंट 130 थे, उसके बाद जब वे आए 192 पॉइंट, उसके बाद 206, आखिरी सीजन में उनका 205 जो पॉइंट थे, अंक तालिका की यदि हम बात करें, आजकल जिस प्रकार से रेडर या खिलाड़ी अंक जुटा रहे हैं, यदि मनिंदर सिंह जी उन सीजन में होते तो प्रो कबड्डी लीग के आंकड़ों का इतिहास कुछ और होता था, उस बारे में दोनों अपनी अपनी राय बताएं। हाँ जी, आपकी सही बात है जी, क्योंकि पहला सीजन था उसमें तो इतना इसको मतलब सामने लगी, छोटा सीजन था, उसके बाद लंबा सीजन होता गया, तो ये जैसे परफॉर्मेंस की बढ़ती गई, तो इसने मतलब तबाही कर देनी थी, सबसे ऊपर टॉप में इसी को होना चाहिए था, अगर ये जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि पिक्चर कुछ और होती, कहानी कुछ और होती, इतिहास के पन्नों पर कुछ और लिखा जाता यदि वह जो इंजरी है नहीं होती मनिंदर सिंह जी के साथ। और यदि हम कहें तो मनिंदर सिंह जी के बारे में, फास्टेस्ट 400 पॉइंट्स पर पहुंचना, 500 पॉइंट पर फास्टेस्ट सबसे पहले पहुंचने वाले खिलाड़ी मनिंदर सिंह जी है, इतिहास के आंकड़े कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं जी, रन सिंह जी बिल्कुल जी 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 बिल्कुल, इनके नाम मिस होते जी 3 सीजन, तो इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब आगे हाई स्कोर इनका होना था मेरे हिसाब से जी, क्योंकि इन्होंने काम बैक इतना अच्छा करा, एक मतलब पहला सीजन खेल रहा है, दूसरा तीसरा खेलता तो उसमें तो बहुत अच्छा करते जी जी। और रन सिंह जी आपके बारे में बता दूं, आपने तो हर सीजन अच्छा खेला है, 5वें सीजन में आपने फास्टेस्ट 50 पॉइंट सेकंड लेने वाले खिलाड़ी आप हैं, 5वें सीजन में सबसे तेज फास्ट। हमें तो आज पता चला ही जी, बताया जी नहीं जी नहीं, आंकड़े यही कहते हैं, इतिहास यही कहते हैं, आपकी मेहनत, आपकी पूरी कहानी जो कि लिख देती है पन्नों पर, आपके पास समय नहीं होता लेकिन पढ़ने वाले पढ़ते हैं, आपके चाहने वाले पढ़ते हैं। और रणसिंह जी एक बात और आपसे पूछनी थी, आपका फेवरेट जो ब्लॉक है जी, किस प्रकार से करते हैं आप ब्लॉक, उसके बारे में कुछ बताएं। काफी मुश्किल होता है ब्लॉक करना किसी भी खिलाड़ी को।
हाँ जी हाँ जी, बहुत मुश्किल होता है जी। जब मतलब वो एक सेकंड का काम होता है, जब वो जैसे आंखों की जैसे पलके झपकती हैं वो काम होता है, जैसे भी थोड़ी रेटर की निगाह हटी तो दुर्घटना। बस वही होता है जी। जी, और अंतिम जी आपके बारे में एक एक सवाल और ये है कि आपके जो समर्थ आपके जो चाहने वाले दोस्त होते हैं या आपके टीममेट्स होते हैं उन पर थोड़ा सा अपना दबदबा दिखाते हैं, रौब दिखाते हैं, उसके बारे में क्या कुछ है? नहीं नहीं, वो सिर्फ प्यार का रौब नहीं, वो सिर्फ ग्राउंड भी होता है जो होता है, लेकिन मैं सबसे जो जूनियर हूँ सीनियर हूँ मैं सबसे प्यार से रहता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। जी 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 जी। और मेरा एक सवाल ये दो आप दोनों से था, अक्षय कुमार जी के साथ मुलाकात और एक बेहतरीन गायक दलेर मेहंदी जी के साथ दोनों की मुलाकात, उसकी कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। अक्षय कुमार के साथ जैसे हम उधर बंगाल टीम में मिले थे ना, हमारे को गवर्नर थे, तो उनके साथ हमें मिलके बहुत खुशी हुई है ना, क्योंकि पहले हम अभिषेक भजंदर को मिले थे, तो उसके बाद जैसे इनको मिले तो कोई हमें पूछता था किस कौन सी टीम में खेलते, तो हम बताते हैं उनको कि हाँ अक्षय सर की टीम है। तो बाकी वो पंजाबी बंदा है, मैं बहुत बढ़िया लगा उनके साथ, वो अच्छा लगा जी उनके साथ, ऐसे खाना खाया एक दो बार और हमारे हमारे साथ पंजाबी में बात की। जी जी, अभी आपने बात की पंजाबी में बात की, आप दोनों के चेहरे खिल गए। हम भारतीय अपनी अपनी भाषाओं में बात करते हैं, प्रो कबड्डी लीग का प्लेटफॉर्म, विश्व स्तर का प्लेटफॉर्म, सभी खिलाड़ी यहाँ आते हैं। यदि हम बात करें खिलाड़ियों की, जिस प्रकार से फजल अतरशदी हो गए या हम हाजी अस्तोग की बात हो गए या हम बात कहें आपके टीममेट मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श है जो आपकी टीम में है और कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि बाहर के खिलाड़ी हैं, भाषाओं का मेल, दिलों का मेल हो जाता है, भाषाओं का मेल किस प्रकार से करते हैं? जी चैंगुली जी, साउथ कोरियन खिलाड़ी। हाँ जी हाँ जी, नहीं हमें भी मतलब इंग्लिश कम ही आती है जी, उनको भी कम ही आती है, जैसे मतलब जोड़ मोड़ के बात कर ही लेते हैं, बाकी इशारों में भी बात हो जाती है ना, इशारे समझने लगते हैं, क्योंकि 6 महीने हमारे साथ रहते हैं तो वैसे ही समझते हैं जी। ग्राउंड पे तो ज्यादा बात करनी होती है जी, क्योंकि काम करना होता है अपना अपना, लेकिन बाद में ऐसे फ्री टाइम हम खूब बातें करते हैं आपस में, जैसे भी जी जी। और इन विदेशी खिलाड़ियों में सबसे बेहतरीन प्यारा खिलाड़ी कौन सा है आप दोनों का, अपना अपना बताएं। सारे ही बहुत प्यारे हैं जी, क्योंकि हमारे साथ जैंगुली बहुत बहुत टाइम से जुड़ रहे हैं ना, इसका नबी बख्श इसीलिए मैंने कहा दोनों अलग अलग बताए अपना अपना है उसके बाद बता दिया जी। चलिए सवालों की बात करते हैं, सबसे मजाकिया खिलाड़ी कौन सा है आपकी नजर में, दोनों अपने अपने राय बताए। रोहित राणा जी। रोहित राणा जी। रण सिंह जी आपकी नजर में? संदीप नरवाल जी। जी जी बिल्कुल, ये तो हो गई बातें दोस्ती की, मजाक की, और कई सारे फैंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं इस पेज पर, आपको हाय कर रहे हैं, और जिस प्रकार से कबड्डी के दो स्टार्स को देखकर वे दुआएं कर रहे हैं ईश्वर से, हम भी दुआ कर रहे हैं आप दोनों की कामयाबी की दास्तां और लिखाई जाए। बेंगल वॉरियर्स की बात करते हैं, महेंद्र जी 2019 की विजेता रही, विजेता टीम बनी, कैसा लगा आपको कप्तान के रूप में? बढ़िया लगा भाई साहब, जैसे बंगाल दो सीजन पिछले है ना, पांचवा सीजन और छठवा सीजन है ना, सेमीफाइनल में हार गई थी, तो उनको भी ऐसे लगता था कि हमारी टीम मतलब सेमीफाइनल तक ही जाएगी, तो इस बार पता नहीं क्या चक्कर हुआ जी, भगवान की कृपा हुई तो हम मतलब फाइनल में पहुंचे, तो टीम हमारी मतलब सेटिंग बहुत बढ़िया हो रही थी, सभी मतलब अपना अपना काम कर रहे थे, तो इसलिए मतलब टीम की सेटिंग भी बढ़िया हो रही थी, बहुत जीत गए, बहुत बढ़िया लगा खुशी मिली। और एक बात महेंद्र जी, फाइनल काफी दिलचस्प रहा, दबंग दिल्ली बिल्कुल दबंग अंदाज में शुरुआत की थी, लेकिन पलटवार आपकी टीम का काफी शानदार रहा, क्या कुछ उस फाइनल की कहानी?
फाइनल भाई साहब मतलब प्रो कबड्डी का फाइनल था, तो टीमें दोनों बराबर की थी ना, उसमें तो कोई ये नहीं था कि ये टीम मतलब थोड़ी ऐसे, तो उसमें कुछ भी हो सकता था, बाकी ये था कि परफॉर्मेंस पे था कौन मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस करे। तो बाद में हमारे बंदों ने मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस की रेडरों ने भी और डिफेंसरों ने, इसलिए मैच बढ़िया रहा। जी जी जी, आप इंजर्ड थे, परेशान थे, उस परेशानियों में आपका दिल दिमाग टीम के साथ क्या कुछ कह रहा था? इंजर्ड तो थे बट मैं बाहर से उनको मतलब बोल रहा था कि हाँ मतलब जितना भी मोटिवेट कर सकते हैं ना उतना किया उनको, कोई ना तुम कर दो काम, कोई चक्कर नहीं है। बाकी ये था कि वो पहले बोल रहे थे कि हाँ आज हम जीत के जाएंगे, कॉन्फिडेंस था उनमें बहुत ज्यादा। बाकी ये था कि फाइनल था, कुछ भी हो सकता था, चलो रण सिंह जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जयपुर किंग पैंथर्स के लिए आपने 4 सीजन खेले, उसके बाद आप जिस प्रकार से बंगाल वॉरियर्स के साथ 2 सीजन में जुड़े, तमिल चलाईवास के साथ अब खेल रहे हैं, तो अलग अलग टीमों के साथ में खेलने पर क्या कुछ मन स्थिति एक परिपक्व खिलाड़ी की होती है? ऐसा होता है कि माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है जी, जैसे जहाँ पे पहले टीम में खेला तो सबके साथ वैसा मतलब होता है, जान पहचान होती है, मतलब खुले दिल से बात करते हैं, जब नई जगह पे जाते हैं तो कोई अच्छे से बात नहीं कर पाते किसी से, तो यही कारण है अगर कोई भी मतलब कहीं भी माइंड अपसेट होता है ना तो बस यही कारण है, बात ना करना, नई जगह पे चले जाना, और किसी के मन को समझना ना किसी के दिमाग को समझना, तो इसी वजह से जी हमारी टीम तो वैसे इस बार अच्छी थी लेकिन इसी वजह से सारी गड़बड़ हुई। जी जी, आपकी टीम में अजय ठाकुर, राहुल चौधरी, शब्बीर बापू, मोहित छिलर, रंजीत छिलर और आप जैसे खिलाड़ी जो कि एक प्रबल दावेदार तमिल चलाईवास भी कही जाती थी। हाँ जी सही बात है जी, आपकी बस वही माइंड अपसेट मतलब सभी प्लेयरों का एक जैसा माइंड नहीं होता ना, इसी वजह से गड़बड़ हो गई टीम, क्योंकि जब भी कोई टीम खेलती है ना फॉर्म का तो एकजुट होकर खेलेगी तो ही टीम आगे जा पाएगी। जी जी जी, रण सिंह जी और मनिंदर जी, जिस प्रकार से आपने जमीनी खेल से शुरुआत की उसके बाद आप मैच के सफर को तय करते हुए व्यावसायिक कबड्डी खेल रहे हैं, डाइट और फिटनेस इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। डाइट बता भाई, तो फिटनेस तो जैसे बहुत जरूरी होगी जी अभी, क्योंकि प्रो कबड्डी में मौका बहुत कम मिलता, मतलब नए लड़कों में बहुत कम मौका मिलता, कोई मिलता उसको मौका संभालना चाहिए, क्योंकि फिटनेस तो पहले छोड़ पड़ा जैसे मॉर्निंग में और इवनिंग में फिटनेस तो पक्का ही करनी चाहिए। बाकी डाइट का ऐसा है जी, डाइट मतलब मीठा सब खाओ, अच्छा खाना खाओ, जो भी खाते हो जो आपको अच्छा लगे, मतलब सारी हुई चीज ना खाओ, मतलब कोई फैटी चीज मत खाओ, सही है जी। हमारा एक दोस्त है वो मैसेज कर रहा है बीच में वॉलीबॉल खेलने आ जाओ, वो मेरे हेयर कट करता है जी। सवाल ले लेते हैं, टीम बन रही है जी उधर। जी जी जी, रण सिंह जी के, रण सिंह जी एक सवाल है, एक सवाल है मनिंदर जी आपके लिए, रण सिंह जी के सामने आपको खेलने पर कैसा लगता है? मेरे को मतलब बढ़िया लगता है, मेरे को मतलब कोई टेंशन नहीं होती कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बोलता है कि कर ले जो कर सकता है, तो बस मेरा फिर मतलब ये होता है कि लज्जा ले गया ना जो ले गया ना तो बढ़िया लगता है, क्योंकि पीछे के से सपोर्ट हो तो बढ़िया लगता है खेलने में, तो ये है खेलने में भी। जी जी जी, और जिस प्रकार से अब भारत में यदि हम कहें प्रो कबड्डी लीग का स्तर काफी बढ़ चुका है, तो आप दोनों ही खिलाड़ियों ने कबड्डी को जिस प्रकार से देखा है, समय के साथ बदलाव होते चले गए, इस बदलाव को किस प्रकार से आप देखते हैं? बदलाव तो भाई साहब कबड्डी में बहुत ज्यादा अभी आ गया ना, पहले जैसे मिट्टी भी खेलते थे तो जैसे अभी रूल भी बहुत ज्यादा आ गया, जैसे टूटा ही रेट आ गया, और बहुत ज्यादा फर्क हो गया है, पहले मतलब मिट्टी पे खेलते थे पहले मिट्टी पड़ी, पहले कबड्डी थोड़ी शांत थी, अभी कबड्डी बहुत मुश्किल हो गई
बहुत टफ हो गई है जी, फास्ट हो गई है, इसको भी हम अपनी फिटनेस डाइट सब मेंटेन करनी पड़ेगी सेहरी प्रोडक्टिविटी में। जी 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 और बिल्कुल प्रो कबड्डी लीग का स्तर जिस प्रकार से परिवर्तित हुआ है सभी के लिए यह परिवर्तन बहुत ही रंग लेकर आया है। और यदि हम कहें इस लॉकडाउन के दौरान आप दोनों ही साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, आने वाले सीजन की तैयारी किस प्रकार से चल रही है? सीजन की तैयारी तो बहुत बढ़िया चल रही है, इस बार हमारी यही है कोचिंग है ना कि अगर हम बंगाल में खेले तो दोनों इकट्ठे खेले, नहीं तो फिर हम मतलब जयपुर टीम के साथ बात करेंगे है ना कि मैं रनिया भाजी और रोहित राणा जैसे हो गया कि पुरानी टीम वो बोल रहे थे कि हम पुरानी टीम एक बार दोबारा कर बनाएंगे, तो जहाँ हमारी यही कोशिश है क्योंकि हम अभी इकट्ठी पैदा इसलिए कर रहे हैं कि हम इकट्ठे खेले है ना किसी टीम में, तो पहले तो हमें बंगाल में है क्योंकि बंगाल हमारी मतलब घर की टीम है तो उसमें खेलेंगे। जी 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 तो बाकी ट्राई है अभी क्या करते हैं देखते हैं, अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी 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 आगे होगा जो भी देखा जाएगा, पर इकट्ठे खेलने में मजा आता है ना इसलिए इकट्ठे ही जरूरी है जी। जी आप दोनों से एक सवाल ये कि कबड्डी के अलावा कौन सा दूसरा खेल जो आप दोनों को पसंद है? वॉलीबॉल जी, इसको फुटबॉल खुद भी खेलता हूँ, मतलब अच्छी खेल लेता हूँ। वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता है, इसके गांव में बहुत बढ़िया चलता है वॉलीबॉल, गांव नहीं है इसका जी, वो कस्बा ही है किसी गांव तो वैसे वो अच्छा जी, 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 जी। और बढ़िया चलता है इनके अभी शाम को, आज जैसे सैटरडे है तो आज वॉलीबॉल चलेगा, टीम बन रही है आज। अभी हमारा टीम वॉलीबॉल का मैच था लेकिन आज आपने बोला जी जी स्पोर्ट टुनाइट के साथ आप जुड़े थे जी जी, गांव का माहौल तो काफी खुशनुमा होगा आप दोनों के आ जाने से। हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा, जैसे सभी मिलते हैं जी, बोलते हैं मेरे को बुला दो, मेरे को बुला दो, ऐसे बहुत अच्छा माहौल है। जब हम दोनों सुबह शाम ग्राउंड पे जाते हैं प्रैक्टिस करने हैं तो सभी मतलब जो नहीं भी आता ना वो भी आने लग गया जी, अभी प्रैक्टिस करने का फोकस था, अभी हमें आते जाते देखते हैं तो हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ जाते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। जी 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 और आप दोनों को फिल्म कौन सा ज्यादा पसंद है, कौन सी फिल्म पसंद है? फिल्म तो अभी भाई साहब लॉकडाउन हो गया तो देखी नहीं, अभी तो बहुत टाइम हो गया, वैसे हमको मतलब जी। फिल्म पंजाबी भी बढ़िया लगती है जी, जो मतलब हंसी मजाक वाली जी 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 और हीरो कौन सा पसंद है? हीरो भाई साहब अभी तो अभी क्या सलमान खान है जी, सलमान खान जी जी सलमान खान जी। और जिस प्रकार से यदि हम कहें मैच आप लोग खेलते हैं, मैच के पूर्व का प्रिपरेशन किस प्रकार से होता है, तैयारी किस प्रकार से होती है, सवाल है हमारे फैंस में से। तैयारी भाई साहब एक दिन पहले शुरू हो जाती है मैच के, सभी प्लानिंग जो भी करते हैं पहले, जैसे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोना, मतलब पहले जैसे रेस्ट करनी, अच्छे से खाना, सही डाइट लेनी, मतलब एक दिन पहले से जैसे थोड़ा मतलब सोचना पड़ता है, तो जैसे वार्म अप हो जाते हैं उसके बाद तो दिमाग बस ग्राउंड पे मैट पे चलता है, बाकी हमारा ध्यान मैट पे रहता है, जब भी मैच चल पड़े बाहर मतलब बिल्कुल नहीं फोकस करते कहीं भी, उस सामने नहीं लगती, मतलब चका चौंध इतनी होती है ना प्रो कबड्डी की, तो मैट पे ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा लाइनिंग होती है। जी 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 एक और फैंस का सवाल आ रहा है, भूपेश चौधरी जी पूछ रहे हैं आपको गाना कौन सा पसंद है? गाना सिद्धू मूसेवाले का बहुत पसंद है जी गाने सभी के अच्छे लगते हैं जी, हमारे मतलब पंजाब में सिंगर बहुत ज्यादा है तो किसी एक का तो नाम ले नहीं सकते, सारे ही बढ़िया है, बब्बू मान बहुत बढ़िया लगता है, रणिया भाई का बहुत फेवरेट है जी वो इसका जैसे उनके दोनों के गाने बढ़िया बजते हैं। जी 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 एक सवाल और आ रहा है दर्शकों में से ले लेते हैं, मनीपा जी से पूछिए कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है उनके लिए, आपके समक्ष आपका प्रतियोगी तब टीम प्लेयर कौन सा प्लेयर है जो आपको आपकी टक्कर का प्लेयर? सरजीत नरवाल है जी 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 जी
जो हमारी टीम में खेलता है। जी जी जी। तो दोस्तों स्पोर्ट्स टुनाइट के इस पेज पर जिस प्रकार से आप बने रहे जमे रहे, आज कबड्डी के दो स्टार, दो गजब के स्टार हमारे साथ जुड़े रहे, बंगाल वॉरियर्स टीम के कप्तान जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ जुड़े, मनिंदर सिंह जी और उनके साथ रण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े, तो एक साथ दो स्टार एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही मंच पर और एक ही कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि मनिंदर सिंह जी और रण सिंह जी जो कि कामयाबी की उड़ान को भरते रहें और कई सारे खिलाड़ियों के साथ हम जुड़े और उनकी कामयाबी की दास्तान को हम इस कार्यक्रम से जोड़कर ईश्वर से ही कामना करते हैं कि हमारे दोनों ही स्टार जो कि अपने अपने क्षेत्र में उम्दा करें, बेहतरीन करें, कबड्डी के प्लेटफॉर्म पर वही मंच जो कि उनके लिए है और हम सबके लिए है फिर एक बार जीवंत हमारे सामने आए प्रो कबड्डी लीग में। तो दोस्तों मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट की ओर से अब आपसे विदा लेता हूं और अगले कार्यक्रम में किसी अन्य खिलाड़ी के साथ हम जुड़ेंगे, कोशिश होगी हमारी यह कि खिलाड़ियों को आपके साथ जोड़े, आपके साथ लाएं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए दर्शकों का, खेल प्रेमियों का, खिलाड़ियों का और हमारा, और उस प्रेम के समंदर में सभी को ओतप्रोत कर दें। तो मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट की ओर से अब आपसे अल्प समय के लिए विदा लेता हूं, आपको नमस्कार करता हूं और सभी का धन्यवाद हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के इस पेज पर जुड़े रहने के लिए। स्पोर्ट्स टुनाइट को फॉलो करते रहिए और उनके साथ जुड़कर इस खेल कार्यक्रम को हमेशा के लिए बहुत ही प्रखर अंदाज में सभी के सामने लाए, यही हम कामना करते हैं और हम अब सबसे अल्प समय के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार करते हैं, जय हिंद जय भारत।